और मेरा बच्चा तोबा कर रहा है, उससे कह रहा है जैसी आराम बोलो, मेरा बच्चा नहीं बोला, मेरा बच्चा नहीं बोला। उसने जान दे दी लेकिन नहीं बोला। उसका नाम पूछते उस पर सरिया मार दिया, इकबाल नाम था बस। नाम पूछा था उससे, नाम पूछा था इकबाल बस। अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तो उसका डेड बॉडी का किसने बताया था? वो डेड बॉडी का हॉस्पिटल में कौन लेकर के गया था? वो तो पड़ा हुआ था एक घंटे से, मार कूट के वो तो भाग गए और इसको पटक गए। ये माई खत्म हो गया था एंड टू एंड, माई पे एक घंटे में सारा उसका जिस्म का खून सब खत्म हो कर गया। फिर उधर से कह रहा है कोई कि गाड़ी आ रही थी पुलिस की, तो दो पुलिस वालों ने उसको गाड़ी पटक के वहाँ ले गए और हमारे सारे घर वाले वहाँ ढूंढ रहे हैं अस्पताल में। देखिए मामला इस तरह बताया जा रहा था कि दो बाइक थी और दो बाइकों में जब टक्कर हुई तब कॉलोनी वहां पर आ गई थी। नहीं, मेरा छोटा बच्चा ये कह रहा अम्मी हम दोनों भाई आ रहे थे मेरे बच्चे को खींच के पकड़ के मार दिया उसने। भाई ने गए, भाई तू तो भाग छोटे वाले से, तू तो जा। इकबाल की कोई गलती नहीं थी? इकबाल नहीं, मेरे इकबाल की कोई गलती नहीं थी, जय श्री राम बोलने के लिए फोर्स किया गया, उसे तब दबाव बना गया। उसका नाम पहुँचते ही सुन के रहे बोल जय श्री राम। उनके फूफा भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ मामला था? 2014 में भारत में जब से एक नई रिजिम का हुकूमत आई उसके बाद से देश भर में मॉब लिंचिंग की जो वारदातें हैं वो मुस्तकिल जारी है और अभी तक चल रही है। शुरुआत इसकी हुई थी नोएडा में, गाज़ियाबाद में अखलाक अहमद की हत्या के साथ। यह हत्या दादरी में हुई थी और उसके बाद से फिर मुसलसल ये सिलसिला जारी है। बता दें कि अखलाक अहमद की हत्या उस वक्त की गई थी कि उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि इनके यहाँ पर गौमा से भीड़ ने उनके घर पर हमला कर दिया था और घर में जा करके उनके घर में तलाशी ली गई और घर में जो गोश्त रखा हुआ था उसको गाय का गोश्त बता करके, जो बाद में चल के रिपोर्ट जब आई तो वो पता चला गाय का गोश्त नहीं था, बकरीद का मौका था, घर पे कुर्बानी का वो गोश्त था और उनकी हत्या कर दी गई थी। अभी 29 तारीख को एक रिपोर्ट, एक ख़बर और आई, वो पूर्वी उत्तर भारत की राजधानी दिल्ली से थी और यह पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी में एक पूजा पंडाल लगा हुआ था। क्योंकि भारत में इस वक्त जो त्योहारों का मौसम है, गणेश उत्सव भारत में मनाया जा रहा है, यहाँ पूजा पंडाल लगा हुआ था जिसमें एक मेंटल रिटार्डेड मानसिक कमज़ोर नौजवान जिसकी उम्र 22 साल थी, उस लड़के को उसने गलती ये कर दी कि वहाँ पूजा पंडाल में रखा हुआ एक केला उठा करके खा लिया था। उस बात से लोग इतना गुस्से में हुए, इतने नाराज़ हुए जब उन्हें पता चला कि पूजा के पंडाल से केला उसने उठा करके खाया और वो भी एक मुस्लिम है। तो उस 22 साल के नौजवान जिसका नाम इसरार बताया गया था आगे चल के, उसको खंभे से बांधा, बिजली के खंभे से, और खंभे से बांध करके उसकी घंटों तक पिटाई की गई और इस पिटाई के से उसकी वहाँ पर मौत हो गई थी। यह इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी 29 सितंबर को। पुलिस के हवाले से बताया गया था कि सुंदर नगरी में गणेश उत्सव के पंडाल में भूख से बेहाल इसरार मोहम्मद कुछ खाने की उम्मीद से पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने युवक पर प्रसाद चुराने का आरोप लगाते हुए उसे खंभे से बांध डाला और बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। लिंचिंग के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तो एक पुरानी खबर थी। एक खबर और है और यह खबर भी दिल्ली से है। यहाँ भी एक युवक को जो फैक्ट्री में काम करता था उसको लिंच किया गया और उसकी भी मौत हो गई। इसका नाम किशन है जो मजदूरी का काम किया करता था। यह खबर 28 सितंबर की है। यह पूरी दिल्ली के सुंदर नगरी में है। यह 26 साल का ये नौजवान है और उसको भी मानसिक कमज़ोर है और उसको भी पूरी तरह से पीटा पीट करके उसकी प्रसाद चुराने के सिलसिले से इसकी भी हत्या हो गई, कर दी गई। तो देश में जो माहौल है वो सब समझते हैं, सबकी जानकारी में कि क्या चीज़ें चल रही हैं और
सरकार की तरफ से इत्तेफाक की बात है, सरकार के जो जिम्मेदार हैं जैसे प्रधानमंत्री है या कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो इस पर पब्लिक से न तो कोई अपील करते हैं, न उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, न उनको वार्निंग देने की बात होती है। एक पूना में घटना हुई थी गुजरात में, जहां दलित समाज के लोगों को मारा पीटा गया था और उनको बांध करके सरेआम पीटा गया था। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में कहा था कि अगर मारना ही है तो मुझे मार दो, मेरे दलित भाइयों से कुछ मत कहो। इतना असहाय होना किसी देश के जिम्मेदार का, वो ये दिखाता है कि लोगों को खुली छूट दे दी गई है और आप जो चाहे करिए, आप घर में घुस करके मार दीजिए, ट्रेन में मार दीजिए। अब तो जो वर्दी वाले लोग हैं वो ट्रेन में नाम पूछ करके उन्होंने हत्या की कि मुसलमान कौन कौन है नाम बताओ, और उनको उसने अपने सरकारी पिस्टल से उनको गोली मार दी। इस तरह के हालात तक पहुंच गए हैं। यहाँ पर एक रिपोर्ट है, जाकिर त्यागी हैं एक्स सी यूजर, उन्होंने एक यहाँ पर लिखा हुआ है और ये जयपुर की घटना के हवाले से है। एक दिन पहले 29 तारीख को जयपुर के अंदर एक नौजवान की पीट फिर करके वहाँ भी हत्या कर दी, वो उसको भी लिंच किया गया। जाकिर त्यागी लिखते हैं नीचे, उन्होंने अपने ट्वीट के साथ विजुअल्स भी दिए हुए हैं, तो वो लिखते हैं डिस्टर्बिंग विजुअल्स। जयपुर के रामगंज निवासी मोहम्मद इकबाल, 18 साल इकबाल की उम्र है, कि गोपालगंज गंगा गोपाल बाजार में लिंचिंग में जान गई। भीड़ ने इकबाल पर लाठी डंडों व सरियों से वार किया, जिसके बाद उसकी मौके पर मौत हो गई। इकबाल और राहुल बाइक से आपस में टकरा इकबाल और राहुल की बाइक आपस में टकरा गई थी, जिसके बाद भीड़ ने उस पर हमला किया और मौत के घाट उतार दिया। इकबाल की मौत के बाद जयपुर में सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति बन गई थी। ये तब की खबर है, तो अब हालात ठीक है। वहाँ पर पुलिस ने इकबाल की हत्या के मामले में 15 लोगों को नामजद और 9 लोगों को हिरासत में लिया है। इसी खबर को और कई लोगों ने ट्वीट किया है। ये मीर फैसल हैं, ये भी एक्सी यूजर हैं, और इन्होंने इसको इसके हवाले से खबर यहाँ पर लिखी है। 18 ईयर ओल्ड मोहम्मद इकबाल ए रेजिडेंट ऑफ रामगढ़ जयपुर लॉस्ट हिज लाइफ इन ब्रूटल मॉब लिंचिंग एट गंगापोल मार्केट। द फैमिली अलेज दैट द अटैक वाज मोटिवेटेड बाय रिलीजियस फैक्टर्स। यहाँ पर एक और यूज़र है, मीर फैसल ने वीडियो भी इसका शेयर किया हुआ है मॉब लिंचिंग का। ये एक और यूज़र है, वो लिखते हैं कि 18 साल मोहम्मद इकबाल जो कि जयपुर के रहने वाले हैं, उनको बेरहमी के साथ पीट पीट करके भीड़ ने उनकी हत्या कर दी और वो उनकी बाइक जो थी राहुल नाम के एक लड़के से टकरा गई थी, जिसके बाद भीड़ ने उन पर हमला किया और फिर उनकी वहाँ पर भीड़ ने हत्या कर दी। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। गब्बर एक और यूज़र हैं एक्स के, वो लिखते हैं मोहम्मद इकबाल ए यंग मुस्लिम बॉय लिंच टू डेथ बाय हिंदुत्व मॉब इन जयपुर। मोहम्मद इकबाल के बारे में ये खबरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जयपुर में उनकी मॉब लिंचिंग हुई। तो देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है उसमें सरकारें बड़ी गैर जिम्मेदार नज़र आ रही हैं, वहीं पर अदालतों को इसमें कुछ डायरेक्शंस देने थे सरकारों को या केंद्र की सरकार को या होम मिनिस्ट्री को, तो अदालतों ने भी इसमें कोई किसी तरह की पहल नहीं की। एक के बाद एक, जैसा हमने बताया दादी के बाद से, अखलाक की हत्या के बाद से, ये जयपुर में अभी एक दिन पहले जो मॉब लिंचिंग हुई है, इस दौरान सैकड़ों लोगों की मॉब लिंचिंग हो चुकी है। एक कम्युनिटी को उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पर टारगेट किया जाता है, टोपी पहनने पर पिटाई, दाढ़ी रखने पर पिटाई। कोरोना के वक्त में लोगों ने
अपने इलाके में सामान बेचने आने वाले सब्जी फरोश वगैरह जो लोग होते हैं उनको पीटा लोगों ने, उनके आधार कार्ड वगैरह चेक किए, मुस्लिम मिला तो मुसलमान को पीटा गया पकड़ पकड़ करके। न्यूज़ चैनल्स में मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ पूरा प्रोपोगंडा चला जाता है, कोरोना जिहाद नाम से पूरी रिपोर्टें चलती थी उन दिनों। दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी अलग से फिगर्स देती थी कोरोना के इफेक्टेड लोगों के। तो ये तमाम चीज़ें देश में एक फिक्र पैदा करने वाली हैं, लोगों में इससे दहशत कायम होती है, लोग डरे हुए हैं और मुस्लिम कम्युनिटी इस वक्त बिल्कुल सहमी हुई है। जो लोग मीडिया से में ख़बरें देखते हैं, जो लोग अखबार पढ़ते हैं, उनको मालूम है कि एक मुल्क के अंदर क्या हालात हैं। अब चूँकि चुनाव आने जा रहे हैं और चुनाव से पहले सरकार के पास कोई एजेंडे भी नहीं है, तो यहाँ पर सरकार को जैसा महसूस हो रहा है कि वो वापस लौटेगी सांप्रदायिकता के इशू पर। मणिपुर में हिंसा चल रही है, कोई उस पर बोलने को तैयार नहीं है केंद्र सरकार की तरफ से। अभी मुसलसल वहाँ पर वारदातें हो रही हैं। इलेक्शन से पहले सरकार सांप्रदायिकता के मुद्दे पर लौटेगी, इसके सीधे सीधे जो सिम्टम्स हैं वो नज़र आने लगे हैं। लीडर्स की ज़बान जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर एक मुस्लिम सांसद को, कुंवर दानिश अली जिनका नाम है, बहुजन समाज पार्टी के वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनको बीजेपी का सांसद आतंकवादी, मुल्ले, कटुए, नक्सलवादी शब्द कह करके पुकारता है और धमकी देता है तुझे बाहर देखूंगा। मोहन भागवत लखनऊ में अपनी सभा में कहते हैं, जबकि इसका भारत सरकार के पास कोई एक भी केस नहीं है, होम मिनिस्ट्री इनकार कर चुकी है पार्लियामेंट के अंदर। मोहन भागवत लखनऊ में कहते हैं बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में कि हर गांव में टीमें बनानी पड़ेंगी लव जिहाद को देखने के लिए, टीमें बनानी चाहिए। अब लव जिहाद को तो गृह मंत्रालय भारत का मना करता है कि ऐसी कोई इंसिडेंट भारत में हुई नहीं है। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर की सभा में कहते हैं इंडिया गठबंधन को का नाम लेकर के कि ये गठबंधन भारत से सनातन धर्म को जड़ से ख़त्म कर देना चाहता है। ये तीन मिसाल पार्लियामेंट की, मोहन भागवत की और प्रधानमंत्री की जो हमने दी हैं, वो इसलिए बताने की कोशिश की है कि चुनाव से पहले भारत की सरकार, मोदी साहब की सरकार सांप्रदायिकता के इशू पर माहौल को गर्माएगी। इस दौरान जितने भी लोग हैं बहुत संजीदा रहें, रिएक्ट न करें। मुस्लिम समाज ख़ास तौर से इस वक्त खामोश रहे, कहते हैं कि एक चुप सौ को हराता है, ये गांधी जी का तरीका भी है। क्या खामोश हो जाइए, किसी की बात का अगर वो आपको गाली दे रहा है तो मत दीजिए जवाब, आपको बुरा कह रहा है तो जवाब मत दीजिए। तो बहुत बार आपकी खामोशी सामने वाले को हरा देती है। तो मुस्लिम कम्युनिटी से मेरी निजी तौर पर अपील है कि इस तरह के जब गंदे बयान आपको सुनाई दें, नेता लोग आपको टारगेट करके कोई भाषण देते हैं, बोलते हैं, कोई बात करते हैं, आप उस पर कोई रिएक्ट न करें। सोशल मीडिया में भी जिनको करना है वो करेंगे, हम लोग हैं और लोग हैं, बोलेंगे वो उस पर, लेकिन सभी लोग ना बोले मेहरबानी करके, क्योंकि चीज़ें देखनी पड़ती हैं किस तरीके से जवाब देना है। मुल्क को आप तरक्की की राह पर नहीं ले जा सकते 25-30 करोड़ लोगों को हाशिए पे करके, और आरएसएस ने यह कर दिया है लगभग कि भारत के मुसलमानों को दीवार से लगा दिया गया है। उम्मीद है चीज़ों में तब्दीली आएगी, वक्त के साथ
तब्दीली आती है, कुदरत का निज़ाम है, हमेशा चीज़ें एक चीज़ नहीं रहती, ताकत हमेशा एक के पास नहीं रहती है, दौलत हमेशा एक के पास नहीं रहती है, वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो ये बदलेंगी। सभी लोग उम्मीद रखें, मोहब्बत से रहें, एक दूसरे से अच्छे से पेश आएँ। हिंदू समाज में बहुत शानदार लोग हैं, उनको साथ में लें, साथ में रहें, उनके एक दूसरे से मिल करके रहें, कट्टरपंथियों के खिलाफ रहें। जो भी कट्टरपंथ की बात करे, समाज में बिखराव की बात करे, अपनों में से हो, मुस्लिम्स में से हो, कोई भी हो, आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए फौरन। नफ़रतों से नहीं होगा कुछ भी, मोहब्बत से ही होगा। शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। तृतीय तिथि 18 साल के इकबाल का पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। दो बाइक की टक्कर के बाद हुई थी मारपीट, मौके पर कई पुलिस अफसर भी मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से लोगों का पीट पीट कर कत्ल किया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली से भी इस तरह का वाकया पेश आया था, मामूली सी चोरी पर एक शख्स को पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। अब दूसरी वारदात जयपुर से आ रही है, जहां पर कत्ल के बाद बवाल देखने को मिल रहा है। मामूली सा तनाजा हुआ था और मामूली से तनाजे में कत्ल की मुखालफत में हंगामा हुआ था। 18 साल के इकबाल का पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कई लोग यहां पर नजर आ रहे हैं, और जो शख्स है जिसको पीटा जा रहा है वो इकबाल है, उसका पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। दो बाइक की टक्कर हुई थी, टक्कर के बाद थोड़ी सी हाथापाई हुई, मारपीट हुई, और मारपीट के बाद इतना पीटा गया इकबाल को कि उसकी मौत ही हो गई। हालांकि मौके पर काफी तादाद में पुलिस फोर्स भी मौजूद है।